आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अमेजिंग आईफोन ऐप्स के बारे में जिन्हें आपको डेफिनेटली इंस्टॉल करना चाहिए। तो यार क्या हाल है, वेलकम बैक टू अनदर यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो। मैं हूँ डीडी आपका यार। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसको अगर अभी भी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो अच्छा, जो सबसे पहला ऐप है उसका नाम है फोलोराइज और इसकी मदद से आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को कलर में। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फोलोराइज को ऐप स्टोर से और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को कलर में। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एडवांस्ड एडिटिंग ऑप्शंस भी हैं जिसकी मदद से आप एडिट कर सकते हैं अपने फोटोज को। तो यहाँ पे मेरे पास दो फोटोज हैं, दोनों ही ब्लैक एंड व्हाइट है और अब मैं ओपन करूंगा फोलोराइज का ऐप। यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज फोटो पे और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे हमारे इस वाले फोटो को और आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये फोटो आ जाता है इस ऐप में, ये ऑटोमेटिकली एक कलर फोटो में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर के अलावा इसमें और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अलग अलग फिल्टर्स अपने फोटोज पे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ एडवांस फोटो एडिटिंग टूल्स मिल जाते हैं और आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, वाइब्रेंस और बहुत सारे पैरामीटर्स को। आईफोन के कैमरा की मदद से आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, लेकिन इस ऐप की मदद से आप अपना खुद का QR कोड बना सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो क्रिएट QR जो है वो एक फ्री ऐप है जिसको आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप की मदद से आप QR कोड को स्कैन तो कर सकते हैं लेकिन आप क्रिएट कर सकते हैं खुद के QR कोड्स को भी। तो यहाँ पे हमें प्रेस करना है ऐड फर्स्ट कार्ड पे और ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आप क्रिएट कर सकते हैं एक QR कोड अपने वाईफाई के लिए, एक URL के लिए, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए और एक वी कार्ड के लिए। तो इस एग्जांपल के लिए मैं चूज कर रहा हूँ URL और यहाँ पे कार्ड टाइटल में लिखूंगा अपने चैनल का नाम यानी कि IMDY Pro और यहाँ पे URL सेक्शन में मैं पेस्ट कर दूंगा अपने YouTube चैनल का लिंक। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे एक कलर और उसके बाद प्रेस करेंगे इस टिक बॉक्स पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल का QR कोड आ गया है और अब बस मैं QR कोड दिखा के लोगों को कह सकता हूँ सब्सक्राइब नाउ। ऐसे ही आप क्रिएट कर सकते हैं एक QR कोड अपने वाईफाई के लिए भी। अगर आप नहीं शेयर करना चाहते हैं अपने वाईफाई का पासवर्ड दूसरों के साथ तो QR कोड एक बहुत सही तरीका है। यहाँ पे आपको एंटर करना है अपने वाईफाई का नाम और उसका पासवर्ड और ये क्रिएट कर देगा एक QR कोड जिसको स्कैन करके लोग ज्वाइन कर सकते हैं आपके वाईफाई को। इस नेक्स्ट ऐप की मदद से आप सेंड कर सकते हैं फाइल्स को वायरलेसली अपने आईफोन से अपने मैक पे या अपने आईफोन से एंड्रॉयड फोन पे और एंड्रॉयड से अपने आईफोन पे। तो क्विकिट एक फ्री ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने आईफोन पे, अपने मैक पे और ये अवेलेबल है एंड्रॉयड पे भी। इसकी मदद से आप वायरलेसली फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो सेंडर डिवाइस है और रिसीवर डिवाइस है वो दोनों कनेक्टेड है सेम वाईफाई से और दोनों डिवाइसेस पे ये ऐप ओपन है। तो मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया है अपने आईफोन पे और अपने iMac पे और इस ऐप ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब प्रेस करेंगे इस सेलेक्ट फाइल टू सेंड पे और यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है जहाँ पे तीन फाइल्स हैं, एक ऑडियो फाइल है, एक इमेज फाइल है और एक वीडियो फाइल है। तो हम सेलेक्ट करेंगे इस फाइल को। इसके बाद मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है मेरे मैक पे, मैं प्रेस करूंगा यस पे, एक लोकेशन चूज करूंगा और इस फाइल को वहां पे सेव कर दूंगा। ऐसे ही हम सेंड कर सकते हैं एक वीडियो फाइल को भी। सेलेक्ट करेंगे इस वीडियो को, चूज करेंगे अपना iMac, प्रेस करेंगे यस और ये जाके सेव हो जाएगा सेलेक्टेड लोकेशन पे। इस वीडियो पे क्लिक करके आप जान सकते हैं दूसरे अमेजिंग आईफोन ऐप्स के बारे में। यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।